नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ में गर्भवती महिलाओं के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के अंदर क्या डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र और शांति प्रार्थना से। कमर सीधी, आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। वेलकम टू द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। आप और आपका बीवी दोनों भी हैप्पी, हेल्दी और सेफ एंड साउंड है। तो चलिए प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि 9th मंथ में क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन व्यूमन बॉडी के ऊपर। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, 9th मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 9th मंथ लगने के बाद आपकी बॉडी कम्प्लीटली डिलीवरी प्रोसेस की तरफ काम करती है और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करती है। बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस मंथ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बैकएक, पेल्विक प्रेशर, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है और बेबी नीचे की ओर ड्रॉप होने की वजह से एब्डोमेन पर प्रेशर आता है। जैसे जैसे बेबी नीचे की ओर ड्रॉप होता है, वैसे वैसे हार्ट बर्न आपका थोड़ा कम होते जाएगा और इसी के साथ साथ थोड़ी आपको ब्रीदिंग में भी आसानी होगी। बट देन यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्ज टू यूरिन काफ़ी बढ़ती है। इस पीरियड में खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एन्जाइटी हो सकती है इस पीरियड के दौरान। तो आप जितना खुद को इमोशनली स्ट्रांग, रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड रखेंगे, उतना ही आपके डिलीवरी प्रोसेस में आसानी होगी। बहुत सी महिलाओं की डिलीवरी इन बिटवीन 9 मंथ्स या 9 मंथ्स कंप्लीट होते ही हो जाती है, बट काफ़ी महिलाओं की डिलीवरी 9 मंथ्स के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद भी होती है। फ्यू वीक्स आप ऊपर भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। जब तक आप और आपका बेबी हेल्दी है, हैप्पी है, सेफ है, तब तक के कोई भी इशू नहीं है। अगर आप 41-42 वीक्स भी ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर ये आपको बता ही देगा कि आप और आपका बेबी हेल्दी है दोनों भी। तो अभी देखते हैं कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं। अभी बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स बेबी की साइज अराउंड 18-20 इंचेस हो जाएगी। आपका छोटा सा बेबी जो एक पॉपी सीड जितना था, अभी 18-20 इंच जितना हो चुका है और बेबी का वेट अराउंड 3-3.2 केजीज के आसपास हो जाएगा। बेबी 9th मंथ में कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है और अब उसके लंग्स भी कम्प्लीटली डेवलप्ड और अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। बेबी के रिफ्लेक्सेस काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होते हैं और बेबी के मूवमेंट्स भी अब स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर बेबी के मूवमेंट्स कम लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके बेबी के मूवमेंट्स एक घंटे में अराउंड 8 से 10 बार होने चाहिए। अगर आपको मूवमेंट्स में कमी लगती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाए और एक बार चेकअप करा लीजिए। ठीक है, आपका बेबी बर्थिंग के लिए अपने हेड डाउन पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, बट कुछ बेबीज ब्रीच पोजीशन, मतलब साइड वाइज पोजीशन में भी रहते हैं। वो एट द एंड धीरे धीरे करके अपना हेड डाउन पोजीशन में जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपको 9th मंथ में क्या करना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट खाइए, वॉकिंग करते रहिए। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो मैंने चीज़ें बताई है नॉर्मल डिलीवरी वाले वीडियो में, आप प्लीज़ उसे फॉलो करिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सही लेबर पेन, मतलब एक्चुअल लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में
फ़र्क समझने की कोशिश करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने हॉस्पिटल की बैग रेडी करें और मेक श्योर वो ज़्यादा बड़ी ना हो। आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो है। रेस्ट और रिलैक्स करिए जितना हो सके उतना, क्योंकि एक बार बेबी आ जाएगा तो आपको रिलैक्स और रेस्ट करने नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर यू रेस्ट, काम डाउन एंड रिलैक्स योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। योग निद्रा कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ऑयली फूड को अवॉइड करें। लोगों की डिलीवरी के पेन वाली कहानियों से दूर रहे। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, डिलीवरी स्ट्रैटेजीज, डिलीवरी कैसे हुई क्या हुई सब कुछ अलग होता है। ज़रूरी नहीं है जो किसी और के साथ हुआ हो वो आपके साथ होगा। आप अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। प्लीज़ खुद को उन सब चीज़ों से डराइए मत। नॉर्मल डिलीवरी जो प्रोसेस है वो भगवान ने बनाई है, कुछ सोच समझ के है। तो अगर आपकी डॉक्टर कहती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी के साथ जाए। अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशंस है, डू नॉट ट्राई फॉर सी सेक्शन। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि नहीं कॉम्प्लिकेशंस है, वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन, तब आप सी सेक्शन पे जाइए क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। एट दी एंड डॉक्टर को पता होता है कि क्या होना चाहिए आपके बेबी के लिए और आपके लिए क्या सही है, तो आप डॉक्टर के हिसाब से चलिए। बाकी किसी की हॉरर स्टोरीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप खुद को और स्ट्रेस्ड बनाओगे और कुछ नहीं। अवॉइड एक्सरसाइज विदाउट सपोर्ट, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा टमी है अभी, तो बैलेंस बिगड़ने का बहुत डर रह सकता है। यूरिन अगर आती है तो प्लीज़ उसे रोकिएगा मत, क्योंकि बेबी लोअर डाउन होने की वजह से बार बार आपको यूरिन का अर्ज हो सकता है, तो जाना चाहिए। उसे रोकने से बेबी पर प्रेशर आ सकता है, आपके किडनीज पर भी प्रेशर आ सकता है, तो डू नॉट स्टॉप इट, जस्ट गो, बी प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट। आपका क्यूटी लिटिल बाई जिसके लिए आप 9 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं 9 महीने के और भी कितने दिन पहले से वेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके फीचर्स आप इमेजिन कर रहे हैं, थोड़े ही समय में वो अब आपके पास होगा होगा या होगी या आपके गोद में होगा या होगी और आप उसे देख सकते हो। स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। पॉजिटिव और हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपको ईजी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। आपका बर्थिंग एक्सपीरियंस, आपका 9th month एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव हैप्पी हेल्दी एंड सेफ प्रेगनेंसी अहेड।